कठुआ में 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के दर्द से अभी देश उबर भी नहीं पाया था कि अब एक ऐसा ही मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां दिल्ली के गाजीपुर में रहने वाली 11 साल की मासूम के साथ एक मदरसे में गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को बचा लिया है, वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के गाजीपुर में रहने वाली 11 साल की मासूम 21 अप्रैल को घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर तक वो घर नहीं लौटी, जिस पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को सीसीटीवी कैमरा मिला, जिसे खंगालते हुए पुलिस के हाथों कई अहम सुराग लगे। फुटेज से पता चला कि एक लड़का लड़की को ऑटो में बिठाकर अपने साथ ले गया। काफी छानबीन के बाद पुलिस साहिबाबाद के मदरसे पहुंची, जहां से बच्ची को निकाला गया। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि नाबालिग लड़के और मौलवी ने मदरसे में उसका यौन शोषण किया है और उसे कमरे में बंद रखा। वह मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि कमरे में कुछ और लोगों ने भी उसे गलत तरीके से छुआ था। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे लोगों की तलाश की जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।